देखो ये देखो किस तरीके दे नाल ये किस तरीके दे नाल पुलिस लेके जा रही है और सारे कौंसलर साहबान नाल ये है पटियाले दी कारपोरेशन दा हाल। खड़े होर तो खड़े हो मेरी गल कर सकते आराम नाल देखो किस तरीके दे नाल अपनी आराम नाल वो जिस दी उम्मीद सी आखिर बीते कल ओहो जिहा ही वापरिया। नगर निगम पटियाला दे मेयर संजीव शर्मा बिट्टू नू गद्दियों लाण लई दो महारथियां दी जंग च मोती महल मात खा गया। पिछले कई दिनों तो चल रहे रेड़के दा क्लाइमैक्स 36-25 दे अंकड़े ते पहुंच के समाप्त होया। दोवां धिरां ने आपो अपने कौंसलरां नू बंद के रख्या होया सी। इत्थों तक कि पटियाला तो लोक सभा मैंबर परनीत कौर ने अपने वफादार कौंसलरां दे रहण दा प्रबंध भी मोती महल च कर दिता सी ते उहनां नूं महल तो बाहर नहीं सी जाण दिता जा रहा कि किते वफादारियां ना बदल जाण। शहर दे मेयर नूं हटाउण ते सीनियर डिप्टी मेयर योगेंद्र सिंह योगी नूं कार्यकारी मेयर लाउण तों बाद स्थानक सरकारां बारे कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंदरा दा पटियाला शहर विधान सभा हल्के च दबदबा वध्या। जानकारी अनुसार पटियाला शहर दे 13 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 37 हो सकता सी क्योंकि वार्ड नंबर 13 दे कौंसलर विजय राणी जो ब्रह्म महिंद्रा धड़े नाल दसे जांदे ने किसी निजी कारण करके वोटिंग प्रक्रिया च शामिल नहीं हो सके। संजीव शर्मा बिट्टू नू मेयर दे अहुदे तो हटाण मगरों ब्रह्म महिंद्रा दा कद वड्डा होया ते हुण उहनां दा प्रभाव पटियाला शहर विधानसभा हल्के च वी वेखण नू मिल सकदा है। ब्यूरो रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम टीवी।